हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स और मैं हूँ प्रेरणा। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि अगर आपके जो है बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं अराउंड योर आइज़, तो आप उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक वंडरफुल सी रेमेडी बताऊँगी। अगर आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगे, और अगर रिंकल्स हो रहे हैं या फिर पफिनेस हो रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रेमेडी को। लेकिन मेरे चैनल के लिए न्यू हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए तो हिट लाइक भी जरूर देना और शेयर भी करना इस वीडियो को। चलिए जल्दी से चेकआउट करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अपनी रेमेडी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए खीरा। तो यहाँ पर मैंने खीरे का जो स्किन है वो उसको उतार लिया है। उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा, और फिर आपको चाहिए एक कच्चा आलू। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी रेमेडी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक साफ़ प्लेट में जो है कसनी रख ली है, मैं उसकी मदद से जो है खीरे को कस रही हूँ। खीरे में मौजूद स्किन लाइटनिंग डार्क सर्कल कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं वो आंखों के नीचे के डार्क सर्कल तुरंत दूर करते हैं। इसके बाद में मैं ले रही हूँ आलू। तो इसी तरीके से आपको आलू भी इसमें कस लेना है। करीब आधा आलू आप इस तरीके से कस लीजिए। आलू में भी बहुत अच्छे विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी आँखों को सूथन करते हैं और काम करते हैं। इसके बाद में जो है मैं एक कटोरी पर छन्नी रख रही हूँ। तो इसकी मदद से खीरे और आलू का जूस हम निकाल लेंगे। तो आप इसको चम्मच की मदद से जो है स्क्वीज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि सारा जूस जो है आपकी कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो खीरा होता है वो हमारी आँखों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि इसमें जो है कूलिंग इफ़ेक्ट होता है जो हमारी आँखों को तुरंत ही ठंडक पहुँचाता है। इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में भी बहुत अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को जो है बहुत ही स्मूथ बनाते हैं और गोरा बनाते हैं। तो एक चम्मच या आधा चम्मच के करीब आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए। तो इसके बाद में गाइस, जो हनी होता है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। देन इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एक हमारा अच्छा सा जो है सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। तो आपको इस तरीके से जो है अपनी कटोरी में एक कॉटन डिप करनी है। आप जो कॉटन है अपनी वो फ्लैट कर सकते हैं अपनी हाथों की मदद से। अगर आपके पास फ्लैट कॉटन नहीं है तो आपको ऐसी दो कॉटन्स चाहिए रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे दो कॉटन ले रखी हैं, आप देख सकते हैं उसको फ्लैट कर दिया है। देन मैं उसको जो है अपने सॉल्यूशन में डिप करूँगी। फिर इसके बाद में जो है अपनी आँखों, दोनों आँखों की पलकों पे इस तरीके से लगा लूँगी, और इसको करीब आपको 10 मिनट तक लगाए रखना है। और इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए अपनी आँखों की, जिससे कि आपकी आँखों को ठंडक पहुँचती है, आपकी नर्व्स भी कूल डाउन होती हैं। ये 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक कच्चा आलू आप ले सकते हैं और उसको अपनी आँखों में इस तरीके से मल सकते हैं। कच्चे आलू में जो है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे विटामिन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम भी होता है, जिससे कि हमारी आँखों की जो स्किन है वो वहाँ की साफ़ होती है, गोरी बनती है। तो इसीलिए अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपको आलू ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप अपनी आंखों की मसाज कर सकते हैं, कुछ आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि जल्द ही आपके डार्क सर्कल्स तुरंत दूर हो जाएंगे। हफ्ते में 3 बार आप इस रेमेडी को करिए और इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं।
तो यस गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर एंजॉय किया हो आपने इस वीडियो को तो हिट लाइक ज़रूर देना। मैं मिलूंगी ऐसे ही किसी और प्यारे से वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।